दोस्तों बिग बॉस ऑलरेडी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय फूक रहा इंसान चुप होने का नाम तक नहीं ले रहे हैं और वह लगातार रोते ही जा रहे हैं। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, उनकी आंखों से लगातार आंसू छलक रहे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी मम्मी को काफी मिस कर रहे हैं और अपनी मम्मी को मिस करते हुए फुकरा इंसान की आंखों से एकाएक आंसू छलकने लगे। इस दौरान दोस्तों यहां पर मनीषा रानी ने चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन मनीषा रानी को फुकरा इंसान कह रहे हैं कि यार कब आएंगे यार, मेरे से अब नहीं हो रहा इंतजार, मम्मी कब आएंगे आखिर। जिसके बाद यहां पर मनीषा रानी समझा रही है कि बाबू ऐसा मत कर यार अभिषेक, ऐसा तू रोएगा फिर तो तेरे इमोशन यहीं खत्म हो जाएंगे, थोड़े इमोशन थोड़े आंसू बचा कर रख, तेरे घर वाले भी तो आने वाले हैं उनके लिए तो बचा कर रख, ऐसे क्या तू रोते रहेगा क्या। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फुकरा इंसान चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर एल्विश यादव तो इतने ज्यादा बेचैन हो उठे हैं कि वो तो गार्डन एरिया को छोड़ने तक का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी घर के बाहर किसी गाड़ी की आवाज आती है तो उनको लगता है कि इस बार कोई आया। 3 बार अब तक वो कह चुके हैं कि कोई गाड़ी आई, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, लेकिन वो गाड़ी की साउंड कहीं और ही चली जाती है, गाड़ी आगे चली जाती है और ये चीज कहीं ना कहीं एल्विस भाई की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। जी हाँ दोस्तों, एल्विस भाई इस समय अपनी मम्मी से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, वो काफी इमोशनल भी हो रखे हैं। फोटोज को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस समय वो कितने ज्यादा इमोशनल है। फिलहाल दोस्तों आपका क्या है कहना इस पूरे मुद्दे को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। यदि आप भी एल्विस यादव और फुकरा इंसान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।